ओ माय गॉड, ये टूटा हुआ है अपने को। हाय शिट, क्यों मेरा नसीब ऐसा यार। हाय, आज हम ट्राई करेंगे वियर्ड टेक आइटम्स। आई थिंक बरसों बाद ये हम कर रहे हैं टेक वाला वर्जन, तो बस मैं और कुछ बड़बड़ नहीं करूंगी। लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट आइटम है ये सुपर क्लीन स्लाइम। इसके इंस्ट्रक्शंस में इधर ऐसा लिखा है कि बस इसको कोई भी चीज के ऊपर रगड़ दो तो कचरा निकल जाएगा। इसका MRP पता क्या था? 1199। मेरे को लगता है नॉर्मल स्लाइम ही होगा, बट खोल के पता चलेगा। रैपर निकला तो ऐसा निकला कि इसका लेबल भी निकल गया। तो सर नियॉन स्लाइम है ये। हाँ, सील्ड है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। ऐसे फोड़ देते हैं। उसके लिए नाखून चाहिए। ताजी फीलिंग आ रहा है। बचपन में वो डिब्बी स्लाइम आता था, इतनी छोटी डिब्बी में स्लाइम आता था। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। बहुत अजीब फीलिंग है। आई एम होल्डिंग स्लाइम आफ्टर इयर्स और ये मेरे हाथ पे चिपक गया है। ओह माय गॉड, निकलेगा ना मेरे हाथ से? हाश हा, आई शुड थ्रो दिस ऑन माय मॉम। शी इज शूटिंग द विंडो, पीछे से नाना नाना कर रही है। उनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा ये फीलिंग। तो थोड़ा अजीब लग रहा है बस। क्वाइट स्टिकी है, नॉर्मल स्लाइम आई थिंक इतना स्टिकी नहीं होता है। आई हैव मेरा लैपटॉप जो भयंकर गंदा है। आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई क्लीन्ड इट। मैं बहुत काम चोर हूँ लैपटॉप वगैरह साफ करने में। तो अपन खोलते हैं इसको। एंड एज यू कैन सी बहुत डर्ट है। तो सबसे पहले अपन इसको कीबोर्ड पर डाल के देते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कचरा निकला है। लेट्स डू मोर। अभी तो काफी कचरा लग रहा है स्लाइम के ऊपर। अभी एक स्क्रीन भी करते हैं। हो ओके, स्क्रीन पे डिफरेंस दिख रहा है। डू इट द स्क्रीन। क्या सही डिफरेंस है स्क्रीन में? वेट, आई डू इट अच्छे से ना छोड़। लुक बिफोर आफ्टर। ये साफ किया, ये साफ नहीं किया है। ये जो डॉट डॉट दिख रही है ना इधर, ये सब कचरा। दैट इज नॉट क्लीन। एंड ये साइड अच्छे से क्लीन हुआ है। कीबोर्ड पे दिख रहा है क्या? कीबोर्ड तो चलो ठीक है, साफ है, बट स्क्रीन पे तो दिख रहा है। सी दिखा ये। मम्मी अब स्लाइम पकड़ के देखेंगे। पकड़ूंगी नहीं, नहीं मैं टच करूंगी। पकड़ना है, रुको। नहीं नहीं पकड़ूंगी, नहीं पकड़ना है। पकड़ो पकड़ो, फेंक दो। नहीं नहीं मुझे नहीं पकड़ना है। ये पर्टिकुलर स्लाइम की बुराई नहीं कर रहे हम। मम्मी को इन जनरल ही स्लाइम नहीं पसंद है ऐसा टेक्सचर। एंड जब ये वीडियो अपन शुरू कर रहे थे तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये बोलूंगी, बट दिस थिंग गेट्स अ थम्स अप। क्योंकि मेरे नजरिए में, लाइक मैं ऑफ कैमरा देख रही हूँ ना, तो मेरे लैपटॉप में बहुत डिफरेंस है सफाई में। एंड इट वॉज सो ईजी और काइंड ऑफ मजेदार भी है। तो मैं इसको यूज तो करूंगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि कितना टाइम तक चलेगा, सो इफ इट इज गोइंग टू बी वैल्यू फॉर मनी और नो। एंड ऑल्सो हाउ टू डिस्पोज दिस, कि क्या ये बायोडिग्रेडेबल होगा नहीं होगा, वो मेरा रिसर्च करना बाकी है। लेकिन इफ दिस वर्क्स आर नॉट, इट डज वर्क। अभी सेकेंड प्रोडक्ट है ये जो है LED लाइट लैम्प। तो आई थिंक इसको अडाप्टर में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने चार्जर वाला अडाप्टर, एंड देन ईजिली नाइट लाइट बन सकता है। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि हाउ मच आई लाइक नाइट लाइट्स, लेकिन मुझे परफेक्ट नाइट लैम्प आज तक नहीं मिला। तो इमेजिन मैं सिर्फ मेरे फ़ोन के चार्जर में ये कनेक्ट करके मेरा नाइट लैम्प बना सकती हूँ। तो लेट्स सी। मुझे नहीं पता था कि एक सेट में दो आता है यार। एक टूटा हुआ है इसके अंदर। Dude, ये तो पूरा ऐसा निकला हुआ आया है। इसको बस इस पर फिट करना रहेगा शायद। हो गया। अब मैं इधर, फोन का चार्जर तो नहीं है मेरे पास रेडीली अवेलेबल, लेकिन लैपटॉप है जो हमने अभी साफ किया, तो इसी में कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं। ओके, पावर तो ऑन है, तो लेट्स सी। ठीक है, 1 2 3, इट वर्क्स। कौन कौन लाइट पे अपना थंब रख के ऐसा रेड देखने में मजा आता है। दिस इज सो मच फन। अच्छा आइटम है यार ये। दो कनेक्ट होएगा क्या एक साथ? मेरे लैपटॉप के दोनों साइड पे ही है। दिस इज सो कूल। और मैं लैपटॉप शट डाउन कर रही हूँ, फिर देखते साथ में बंद हो जाएगा ये। That's it. मुझे तो थम्स अप बोलने की जरूरत भी नहीं है, अच्छे से काम करता है ये। सो इवन यू कैन ट्राई दिस एज अ पोर्टेबल नाइट लैम्प। यू कैन टेक इट एनी वेयर विथ यू। अगर आप इधर ट्रैवल भी करोगे, जब भी करोगे, तब आप पावर बैंक में डाल के इसको शायद यूज कर सकते हो। तो वी गिव दिस अ टप ऑफ थम्स अप। ओके, नेक्स्ट आइटम है ये स्टैंड। ये स्टैंड मैं सालों से देखते हुए आ रही हूँ किधर किधर, अपने ये टेली स्काई शॉप और वो सब पे। एंड आई हैव बीन वांटिंग टू ट्राई इट। तो ये वो स्टैंड है जिसको बस गले में लगा दोगे तो आप आराम से बैठ के फोन पे कुछ देख सकते हो। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद इसको कैसे यूज करना है। आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट।
ये कितना वियर्ड है, ये कितना हद से ज्यादा वियर्ड है। तो चलो अपन इसमें YouTube खोलते हैं एंड देखते हैं ये पूरा फोन इसमें फिट आता है कि नहीं, क्योंकि काफी बड़ा फोन है तो मतलब नॉर्मल साइज यही होती है फोन की, पर ऐसे जल्दी से स्टैंड में फिट नहीं आता है। बट ये आता रहा है, इमेजिन बस ऐसे सेट के जैसे बैठ के देखने का। This thing works. I give it a thumbs up for working. बस इसका जो ये है ना, ये इतना कम्फर्टेबल नहीं है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी है, फिर शायद हो जाए एक बार कम्फर्टेबल ये। बस अभी नहीं तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगी पॉपकॉर्न का डब्बा लेके और खाते रहूंगी। अगला वियर्ड आइटम है ये फ्लैश के ऊपर रखने वाले कवर्स, जिससे आप कूल फोटोज खींच सकते हो। बेसिकली अगर ये ब्लू चीज लगा दी आपके कैमरा के फ्लैश के ऊपर तो ब्लू फोटो आएगी, वैसे ऑरेंज। तो अभी मेरे को कैमरा निकालने में कंटाला आ रहा है तो मैं फोन में सेल्फी लेके देखती हूँ, क्योंकि ज्यादातर अपन फोन ही यूज करते हैं ना फोटोज के लिए। तो लेट्स सी कि फोन में भी अच्छा वर्क करेगा कि नहीं। तो वी हैव ब्लू, व्हाइट, व्हाइट का अच्छा, व्हाइट लाइट को और थोड़ा डिस्पर्स करेगा ना फ्लैश में, वो भड़कीला भड़कीला सा इधर ही सिर्फ व्हाइट लाइट आती है, तो अगर ये लगा देंगे ना उसपे तो अच्छी स्मूथ लाइट आएगी। और एक ऑरेंज भी है, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या पर्पस है। ये जो चीजें आई थिंक इसको सिर्फ कैमरा के ऊपर लगानी है, बट मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं तो मुझे कुछ गलत सलत नहीं बोल देना है, ऐसे लग तो रहा है ये। अब मैं वापस मम्मी का फोन फॉरो करूंगी, माइट हैव टू डू इट विद कैमरा। मतलब फोटो अच्छी नहीं है, बट ये जो ब्लू टिंट आई है उस पर वो देखो यार, दैट्स कूल। आई मीन आई थिंक एडिटिंग से भी ये कर सकता है, बट मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर अच्छी हूँ नहीं ना, इसलिए मुझे एकदम आर्टिस्टिक तरीके से यूज करने को नहीं हो रहा है। फिर इसी पे ऑरेंज वाला ट्राई करके देखते हैं। ओ दिस इज क्यूट, मतलब ये फिल्टर्स एक्चुअली काम करते हैं। वाओ, अभी नॉर्मल व्हाइट वाला मेरे को मजा आ रहा है करने में। व्हाइट में भी एकदम ऐसा ड्रीमी ड्रीमी हेजी हेजी सा आ रहा है, मस्त लग रहा है। दिस थिंग ऑल्सो गेट्स अ थम्स अप। मुझे तो लगता है कि अपनी वियर्ड आइटम वाली सीरीज को ना बहुत ज्यादा ही वेल विशेस मिली है, क्योंकि टचवुड लास्ट फ्यू अपने एपिसोड में ऑलमोस्ट सारी आइटम अच्छी निकलती है, बट अपने ये एपिसोड में और तीन चीजें बाकी है, तो वी शैल नॉट कमेंट जब तक वो सारा खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट आइटम ना वियर्ड से ज्यादा क्यूट है, बिकॉज दीज आर टेडी बेयर वाले इयरफोन्स, जो वैसे मिनीसोस है पर मुझे अमेजोन पे मिले। तो ऐसे चीजों का बस एक ही अपने को प्रॉब्लम होता है कि कितना अच्छा साउंड क्वालिटी है और कितना टिकेगा, बस ये दो क्वेश्चन अपने को रहते हैं। तो आज मैं वो टेस्ट करके आई विल लेट यू नो इफ दिस इज वर्थ योर मनी और नॉट। इधर तो MRP 250 रुपीज लिखी है, तो आई थिंक दैट्स नॉट बैड। नो वापस हमें लैपटॉप ही काम आएगा, क्योंकि मेरे और मम्मी दोनों के फोन में वो फ्लैट पिन वाले ईयरफोन जाते हैं यार, तो लैपटॉप में तो मेरे राउंड पिन ही जाता है। इट्स ऑन, तो आई एम पुटिंग इट इन ईयरफोन का स्लॉट। पहन के देखते हैं कि कैसे, इस पे लेफ्ट और राइट लिखा है क्या? हाँ लिखा है, पहन के ऐसे दिखते हैं। डू दे लुक क्यूट, डू दे लुक क्यूट, टेल मी। फुल वॉल्यूम पे आवाज बहुत फट रहा है, बहुत फट रहा है, तो फुल वॉल्यूम पे तो क्लैरिटी अच्छा नहीं है। आई टेल यू उसका क्या क्या अच्छा है, इसका वॉल्यूम काफी अच्छा है, बिकॉज मैंने हाफ पे रखा था ना फिर भी काफी क्लैरिटी आ रही थी। एंड आई नो कि ईयरफोन्स का कमाल है, बिकॉज आई हैव अदर ईयरफोन्स जो हाफ पे इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं देते। अब इसमें मुझे पसंद क्या नहीं है, इसकी इसमें कुछ खास इफेक्ट नहीं है, इसमें बेस का इफेक्ट नहीं है, तो वो जो धम 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 मजा आता ना गाने में सुनने में, वो इसमें ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। तो फॉर 250 रुपीज के ईयरफोन्स आई गिव इट अ थम्स अप, इसमें ऑफकोर्स आवाज और आ रहा है अच्छे से आवाज, लेकिन अगर आपको म्यूजिक वगैरह सुनने का शौक है तो उसके लिए नॉट रिकमेंड। कॉलिंग के लिए सही है मेरे हिसाब से, बट ज्यादा यूजेज के लिए नहीं। तो बस क्यूट, किसी को कुछ गिफ्ट देना हो ना तो यू कैन ट्राई दिस। आई हैव लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस वन। अभी नेक्स्ट भी थोड़ा फोटोग्राफी टाइप के लिए है, तो ये एक फ्लैश लाइट है, ये मिनी सा क्यूट फ्लैश लाइट है जो फोन के ऊपर लगा के अच्छे फोटोज खींच सकता है, प्रॉबेबली वीडियोज के लिए भी काम आ सकता है। आई थिंक इसको चार्ज करना है इसलिए इसके साथ केबल आया है, बट मैंने चार्ज तो नहीं किया। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स विदाउट चार्जिंग अभी के लिए। नहीं यार बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी नहीं कि अंदर एक स्क्रू, ओ माय गॉड ये टूटा हुआ है अपने को, हाय शिट। मैं ना इसमें अंदर ये जो स्क्रू है, एक लूज स्क्रू तो है ही, बट जो चार्जिंग है वो भी सी कैसे हिल रहा है यार। इसके तो पैसे वेस्ट हो गए, बिकॉज ये इसका रिटर्न पीरियड हम श्योर खत्म हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये सारा सामान बहुत पहले मंगाया था एंड ये वीडियो शूट करनी रह गई थी मेरी तो। पर ये ना बहुत ज्यादा ही फ्लिमजी है, तो आई वुड रेकमेंड कि व्हेनेवर इट इज सेफ टू गो आउट ऑफ द हाउस आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, लोकल स्टोर से लेना बेटर रहेगा, ताकि अपन चेक करके ले सके। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ तो यार अच्छा नहीं रहा, तो दिस वन गेट्स अ थम्स डाउन।
ट्राई नहीं करने मिला तो थम्स डाउन ही देना पड़ेगा ना. लास्ट आइटम से मेरी इतनी मेमोरीज जुड़ी है बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट क्लॉक आई एवर ओन्ड वॉज दिस टाइप. आई थिंक सेम ऐसा था बट वो तो कुछ आराम से 10-12 साल पहले की बात है ना. इमेजिन सेम घड़ी अभी भी मिलती है. इसमें भी सब अंदर का पुर्जा क्यों दिख रहा है? डैमेज्ड क्यों मेरा नसीब ऐसा यार. Oh, नहीं इसकी जो स्क्रीन है ना वो निकल गई है. बट इज देयर अ वे आई कैन ओपन दिस? यार एक तो ये खुलेगा भी नहीं. आई एम सो मैड. इतनी बैटरी नहीं. एक सेकेंड ये थोड़ा कूल नहीं लग रहा है अभी. इसमें से टाइम तो दिख रहा है. वेट दिस वी एक्चुअली माइट हैव गॉटन अ कूलर क्लॉक. दिख रहा है? आई लाइक इट. अगर ना इसको ऊपर कर रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं दिखता है ना. कुछ भी नहीं दिख रहा है ना. पर अगर इसको नीचे कर देना तो दिख रहा है टाइम. वाओ आई रियली अप्रिशिएट कि इसमें बैटरीज आए हैं. थैंक गॉड दिस इज वर्किंग. वरना मेरा मूड तो खराब ही हो जाता बाय द टाइम दिस वीडियो वुड एंड बिकॉज दो नॉन फंक्शनिंग चीजें कैसे दिस लुक्स लाइक मैजिक की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे टाइम दिख रहा है. आई लाइक इट. मतलब महंगे महंगे वॉच ब्रांड्स में रिस्ट वॉच ब्रांड्स में ऐसा दिखाते हैं अंदर का मैकेनिज्म दिखाते हैं पूरा. मेरे को सस्ते में मिल गया. अंदर का मैकेनिज्म दिख रहा है पूरा. एंड मम्मी जस्ट टोल्ड मी कि इधर जो बैटरी है ना ये इसलिए डालनी होती है तो इसका कलर चेंज हो. मैं अभी लेके आती बैटरी. अपन ट्राई करेंगे. ले आया है पूरा सेल का पैकेट. मेरे को बस एक ये पूछना था कि आपकी भी सेल यूज करने में जान जलती है क्या? बिकॉज मैं कितनी भी महंगी चीज क्यों ना ले लूं अगर उसमें बैटरी डालने का टाइम आता है ना तो मेरा बहुत दिल दुखता है. ओके सब अंदर तो बराबर डाले मैंने. उसको बंद करती है एंड शायद इससे करना है डेमो. ए क्यूट 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 इट इज सो क्यूट यार. उसमें बल्ब भी दिख रहा है अंदर से. तो इसका अपन एक कलर तो नहीं बना के रख सकते बट दिस इज स्टिल प्रीटी क्यूट. आई वैसे तो गिव दिस अ थम्स अप बिकॉज इवन दो इट्स स्लाइटली ब्रोकन आई स्टिल लाइक इट. इनफैक्ट आई एम लाइकिंग इट मोर ब्रोकन बिकॉज इट्स स्टिल शोइंग द टाइम. लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है तो यू कैन बाय इट एंड मेक श्योर आप प्लीज आने से तुरंत चेक कर लो ताकि रिटर्न या एक्सचेंज आप कर सको. दिस इज द एंड ऑफ आर आई ट्राई वियर्ड टेक्नोलॉजिकल आइटम्स. तो आई नीड योर हेल्प टू कंटिन्यू दिस सीरीज. आई नीड यू टू कीप सेंडिंग मी सजेशंस जैसे आप यूजली भेजते रहते हो कि हेली अब ये ट्राई करो ये ट्राई करो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम पता है अमेज़न से उसका सिर्फ नाम आप कमेंट्स में लिख दो सो दैट आई कैन टेक दैट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज. सो इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप. इफ यू डिड नॉट एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.